मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी पंचनदा वाली। तो भाई मैं यमुना नदी उसका नाम है। तो भाई उसके बारे में मैं आपको आज नॉलेज दूंगा। मतलब शॉर्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, तो मैं बस में बैठा था, तो वो वीडियो मैंने मतलब थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनी है, वो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि पानी कितना बढ़ जाता है, कितने किलोमीटर तक जाता है और कितने दिन तक मतलब बंद रहता है। वो जो सिटी है ना पूरी, वो कितने दिनों तक बंद रहती है। तो भाई जुड़े रहना ये वीडियो में, बहुत बढ़िया नॉलेज दूंगा। और हम लोग कहाँ गए थे, रुको थोड़ा वेट करो, मैं याद करके बताता हूँ। और भाई जहाँ मैं गया था उसका नाम है जगमनपुर। मतलब मेरे जो कन भैया है माई के लला, उनका ममाना है। तो वहाँ गया था, खूब मज़ा आया। मतलब ज़्यादा नहीं, एक आधे दिन के लिए गए थे, मतलब रात बिताई थी और 1 बजे पहुँचे थे, समझो एक आधा दिन और एक पूरी रात। सही मज़ा तो मेरे को बहुत ही आया, बहुत ज़्यादा। एंड सो मैं आपको उस वीडियो के बारे में दिखा दूँ, तो वो क्लिप मैं, मेरी वॉइस आएगी अपन वट में दिखाई नहीं दूंगा, तो आप लोगों को मैं अभी हाल दिखाता हूँ, रुको। तो भाई ये रही यमुना नदी। तो मतलब अभी ये जो आपको ये नदी दिख रही है, कितनी शांति में है ना, बिल्कुल शांत उसमें है। और जब बारिश का मौसम आता है तो मतलब इधर ये जो रेस देता है, पूरी बस तो खाली, पहली बार पूरी बस में कोई नहीं, ज़्यादातर 6 लोग हैं, हम मैं और मैं भाई पीछे बैठे थे। तो मतलब ये जो पूरी रेती सी डली पूरा मतलब पूरा कवर कर लेता है पानी। और जो ये जो पुल के साइड में वो दिख रहा है ना, अरे इसको क्या बोलते हैं, रुको 2 मिनट, अरे जो गाड़ी गिर जाती है मतलब उसको सपोर्ट के लिए बना, तो भाई ये पूरी कवर हो जाती है। मतलब ये जो दिखा ना अभी, तो बिल्कुल कवर हो जाती है, कम से कम 20 दिन तक सड़क पूरी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो भाई मैं आपको एक और बात बताने वाला था, मतलब यहाँ पर जो भी दूर दूर तक मतलब गांव दिख रहे होंगे शायद आपको, वो गांव भी जो गांव में रहते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। इतना सारा पानी भर जाता है, जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना आपको सब भर जाते हैं। और जो जितनी भी रेत है ना भाई, कसम से सब भर जाते हैं। लोगों ने अपने घरों के जैसे बाहर होता है ना उसके गड्ढा कर दिया है कि पानी स्टोर हो जाए, मतलब गाय भैंसे रहती तो नहा लिया करें। पर उस टाइम पर इनके पास कोई ऑप्शन ही रहता है कि घर खाली करना पड़ेगा, इनको घर खाली ही करना पड़ता है। और भाई मतलब आप नज़ारा देखो तो इतना बढ़िया, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है। वो मामा बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अपन भाई जिस टाइम बाढ़ आती है बहुत बुरा होता है। तो इस कार में यही नॉलेज थी कि बहुत जगमनपुर में बहुत ही खतरा है, मतलब जो ये नदी के पास रहता है उधर ही खतरा है ओनली, और कहीं नहीं है। मतलब ज़्यादा दूर दूर तक वो पानी ज़्यादा ना भाई, मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। मैं घर पे ही बैठा था तो मतलब घर पर सब लोग आ गए तो आवाज़ आने लगी, तो मैं यहाँ पर भाग आया बगिया में, देखो। सो वीडियो एडिटिंग हो गई अपन वीडियो में, एक चीज़ की आपको बहुत तो लगी, मैंने वीडियो एडिटिंग में बोला कि कसम से भाई यहाँ पर बहुत पानी भरता है। तो रियल में भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी भरता है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं आपको बता नहीं सकता, 1 किलो 2 किलोमीटर तक तो सड़क अभी सरकार ने वहाँ पर बनाई बिल्कुल न्यू, और तो भी बैंड कर देते हैं, 20 दिन तक सड़क बंद हो जाती है। सोचो भाई कितना पानी भरता होगा। तो भाई आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताने वाला था। और ये देखो ये बगिया के अंदर आया था मैं अभी आज, और गाँव हमारा इधर अंदर दिख रहे हो, रुकना, अरे यार सांप आ जा, रुकना, ये देखो ये दिखा ना। सो भाई मेरे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करना प्लीज़ भाई। मैं मतलब अभी मेरी 12th आ गई, तो मैं अभी गांव में ही हूँ, जस्ट कल निकलने वाला हूँ इटावा के लिए और परसों निकल जाऊँगा अपने अहमदाबाद के लिए। सो भाई वीडियो मैं सोचूँगा, शॉर्ट बनाऊँगा, यानी मेरा भाई मूड करता है बट क्या करें यार, आगे का देख रहने जाए, क्योंकि इतनी सारी मैंने वीडियो डाली है, कोई भी वीडियो पर इतना खास वो नहीं मिला मेरे को। तो भाई चलो मैं भी घर जाता हूँ, तो मेरी वीडियो को सपोर्ट देना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने छोटे भाई को भूल मत जाना भाई, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ही जाना।